देखो यार, हम बात कर रहे थे किसके, जीआरयू के। ठीक है, तो जीआरयू लास्ट क्लास हमने किया था। ठीक है, एक बार एलएसटीएम आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं कि एलएसटीएम आर्किटेक्चर कैसे होता है। ठीक है, एक मिनट यार, है ना, आई थिंक समवन हैज जॉइंड। अच्छा, अनंत आ गया ना। ठीक है अनंत, तुम्हारी आज कोचिंग होगी ना यार गेट की, कल की क्लास ध्यान है? अगर आपको कल की क्लास ध्यान है सो वी कैन डायरेक्टली राइट एवरीथिंग। देखो, मैं कल की क्लास से बिल्कुल मेंटेन करता हूँ। आप याद करो अपने जीआरयू के आर्किटेक्चर को, और मैं यहाँ पर एलएसटीएम का आर्किटेक्चर लिखता हूँ, आर्किटेक्चर पर बताता हूँ, फिर आई विल कम टू वन बाई वन। तो सी, ध्यान करिए अपने जीआरयू वाला आर्किटेक्चर को, और मैं यहाँ पर एलएसटीएम का आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट मी बिल्ड द आर्किटेक्चर हियर, दिस इज एलएसटीएम। हेयर आई एम गिविंग सी टी माइनस वन, ठीक है, एंड आई एम गिविंग एच टी माइनस वन। देखो यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं थोड़ा सा, सी टी माइनस वन, एच टी माइनस वन, हेयर आई एम गिविंग एक्स टी। ओके, एक्स टी इज कमिंग, देन आई एम मेकिंग वन जी हेयर, जस्ट जी, एंड देन आई एम टेकिंग हेयर एच टी माइनस वन। ठीक है, जी पता है तुम्हें, जी विल बी डब्ल्यू नॉट प्लस जो भी एक्स टी और एच टी माइनस वन से जो बनेगा जी हो जाएगा, एंड देन सी टी माइनस वन, गो विथ द फॉरगेट गेट, वी नीड अ फॉरगेट गेट विथ सी टी माइनस वन, एंड देन वी प्लस विथ इट एंड मेक अ इनपुट गेट हियर, मल्टीप्लाई विथ योर जी इनपुट गेट, दिस इज इनपुट गेट, दिस इज योर इनपुट गेट, मल्टीप्लाई विथ जी एंड देन एड दिस, देन एड दिस। सो दिस इज बेसिकली योर सी टी माइनस वन इंटू फॉरगेट गेट एंड एक्स टी इंटू जी, एंड देन इज यू कैन एड दिस, टेक आउट लाइक फ्रॉम दिस, राइट हियर सी टी एंड देन मेक इज योर टैन एच, हमने किया था, और आउटपुट गेट से यू कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली विथ आउटपुट गेट एंड इट्स बिकम एच टी। सो सी जस्ट अ मिनट गाइस, इट इज द आर्किटेक्चर इज ऑलमोस्ट लाइक जी आर यू, थोड़ा सा इसमें चेंज है इफ़ यू कंपेयर। अब जिसको याद नहीं होगा वो तो कंपेयर नहीं कर सकता, नोटबुक में अगर बनाए होंगे तो यू कैन। ठीक है, देखो जस्ट गॉट मैसेज फ्रॉम विदुषी, वो बता रही थी कि वो बाहर है पार्टी वार्टी में भी, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाई। सी केयरफुली, सो दिस इज एक्स टी एंड वी आर गिविंग दिस एक्स टी एंड दिस इज एच टी माइनस वन, दिस इज सी टी माइनस वन, एंड वी आर ट्राई टू बिल्ड दिस इज आवर लाइक डायग्राम बेसिकली फॉर एल एस टी एम। लेट्स ट्राई टू राइट इन इक्वेशन फॉर्मेट, सो देन इट लुक्स कूल। सो लेट्स लेट मी डिलीट दिस, आपने आई थिंक जी आर यू वाला तो आपने बनाया ही था कल का, सो लेट्स लेट मी राइट द इन इक्वेशन फॉर्मेट, और इसको ध्यान से देखिए एंड यू विल, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। लेट मी राइट इन द इक्वेशन फॉर्मेट, सो सी फर्स्ट लेट्स लेट्स राइट द सी टी ओनली। सो सी टी इज नथिंग बट जस्ट सी, वी नीड अ फॉरगेट गेट, देन वी सेइंग सी टी, देखो यहाँ फॉरगेट गेट बिकम सेपरेट, दैट टाइम इन जी पी यू सॉरी वी डोंट हैव इनपुट गेट, हियर वी हैव अ सेपरेट इनपुट गेट, इनपुट हैडामार्ट प्रोडक्ट विथ जी, बट इफ यू थिंक अबाउट इन द एल एस टी एम वी डोंट हैव अ इनपुट गेट ना, इफ यू रिमेंबर वी हैव लाइक फॉरगेट गेट एच टी माइनस वन प्लस वन माइनस एफ जी, इफ यू रिमेंबर दिस इज वन माइनस एफ, बट हियर वी आर गिविंग अ सेपरेट सेल फॉर दैट ऑल्सो, दैट्स व्हाई मैं आप लोग कल बताया था ना कि जो हमारा जीआरयू है, जो हमारा एलएसटीएम है, दैट इज लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स इफ यू कंपेयर विथ जीआरयू, है ना। इफ यू कंपेयर विथ जीआरयू योर एलएसटीएम इज
little more complex. I studied like I told you the same thing. Okay, see here, this is CT, CT is FT, here I'm going to talk CT minus 1 plus input gate. And what is your HT? HT is nothing but your output header mode product with tan H CT. Got it? So this is here we have the CT and here we have the HT. Now let's talk about parameters banenge iske wajah se. Actually if compare with GRU, here we have more parameter. So definitely if you're talking about the learning time, we can learn more because we have more parameters, so we'll go beyond the GRU here. So that's why even if you talk about the actually I will ask one question after some time, like after maybe 5 to 10 minutes, and we have to answer, then I will give you another answer. Okay, so don't worry, but see this one. So now see the FFF. So we know any gate we have to have sigmoid, and now we know already ki kya banega. We know already ki that it become WF HT minus 1 plus UF into XT. That is like this F. If you show you recording already ho rahi hai. Recording is there. Recording ho rahi hai. So take a sigmoid. This is a weights HT minus 1 plus U. This is XT. So here you can see we have the forget gate. This is the output gate if you see, and then we need an input gate. So this is basically WI HT minus 1 plus UI XT. Now we need one thing, that is G. So for G definitely there is no need for go sigmoid. We'll take a tan H, no problem in it, and definitely that is basically WG HT minus 1 plus UG XT. So we have all the things here, like you have G, we have F, you have output gate, we have input. Okay, no problem. Now let me ask one question to all of you. You have to answer this question. Bataiye ki kitne matrix banenge LSTM mein? If you compare with GRU, how much matrix here? अभी कल ही बताया था यार, ऐसे कैसे करते हो आप लोग? करेक्ट, 6 बताया था ना, बिल्कुल सही। जीआरयू में मैंने बोला था 6 मैट्रिक्स होता है और दिखाया भी था आप लोगों को, और बहुत आरएनएन में 2 मैट्रिक्स था, सिंपल वनीला आरएनएन में 2 मैट्रिक्स था, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, है कि नहीं? और फिर देखो एलएसटीएम में कितने आ गए, जस्ट सी दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मैट्रिक्स. So definitely LSTM is more complex architecture. If you compare like with architecture, definitely LSTM is more complex with GRU. That's why मैंने कल बोला था कि LSTM थोड़ा ज़्यादा complex है अगर if you compare with GRU. But GRU is updated. GRU के you can think like updated version of LSTM, but ऐसा है नहीं. But you can see like this, okay? और नया भी है if you compare with GRU. But if you find the like कहीं मैंने पता था आप लोगों को, बहुत रेयर मैंने पाया है कि इसने GRU यूज किया है. We always try to use LSTM only. No worry, don't worry. Okay. So this is the like this is the 2 matrix, this is a 4 and this is 8 matrix. Okay. Now go to the our first problem. Why we are going for GRU and LSTM? Anyone let me know why we are going for GRU and LSTM? What is the need? हम जा क्यों रहे GRU LSTM पे?
स्मृति है क्या? स्मृति बताओ, हम क्यों जा रहे हैं डिफरेंट आर्किटेक्चर की तरफ? अच्छा, अभी जाने के पता नहीं क्या मतलब, मैं क्वेश्चन सुनो केयरफुली। मैं बोल रहा हूँ हम लोग डिफरेंट क्लास में थी जब मैंने बताया था, मतलब आज थोड़ा बताया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाट इज द नीड टू गो फॉर LSTM या GRU एंड एनीथिंग? हाँ बताओ। क्या बात कर रहे हो, कुछ भी मतलब, कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग, कुछ भी बोल रहे हो। मतलब कुछ भी बोलोगे? अरे भैया कोई तो बताओ। क्या यार, मतलब एक मिनट रुको, पहले रिकॉर्डिंग बंद करने दो, है कि नहीं? तो डिफरेंट आर्किटेक्चर में आप LSTM ले सकते हो या फिर GRU ले सकते हो। तो ये तो हमने अभी 2 दिन पहले डिस्कस करी थी यार बात, ये रिकॉर्डिंग में जाकर देखो आपको मिल जाएगा। हमने डिस्कस किया था कि वाई वी पर तो कोई ना, एक जना म्यूट नहीं है उनका ना, वो आ रहा है एक बार, ईगो आ रहा है, प्लीज म्यूट ना। अभी हमने बात करी थी यार परसों ही क्लास में कि वाई वी नीड लाइक सेपरेट डिफरेंट आर्किटेक्चर। हमने देखा था वनीला RNN की प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे दूर करने की कोशिश भी कर रहे थे। सो प्लीज ऑल ऑफ यू थोड़ा सा यार कुछ थोड़ा सा केयर करिए। उस पर जोर दिया था मैंने कई बार, और इनफैक्ट मैंने ये बोला था कि जनरली अगर आपका फ्रेशर हो, बीटेक पास आउट हो, तो इंटरव्यू में लोग पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत मतलब एक्सेप्टेड लाइक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये क्या होता है, वैनिसिंग ग्रेडियंट क्या होता है, क्यों जनरेट। मैंने प्रूव किया था, मैथमेटिकली प्रूव कर दिखाया था कि देखो ये है वैनिसिंग ग्रेडियंट। रिस्ट्रिक्ट अप्रोच लिया था बट मैंने आप लोग को दिखाया था कि देखो ऐसे जनरेट होता है आपका एक्सपोर्टिंग ग्रेडियंट या वैनिसिंग ग्रेडियंट, और क्यों वो इशू जनरेट करता है। पूरा पूरा अगर आप अच्छे लेवल पे काम करो तो पूरा फोकस उसी पे रखना पड़ता है, ठीक है। सो इफ यू कंपेयर विद दैट, तो इफ यू टॉकिंग अबाउट द प्लेन RNN या वनीला RNN, सो वी आर फाइंडिंग हियर टू मैट्रिक्स, जो हमारे टू मैट्रिक्स वेट्स मिल रहे हैं। इफ यू गो फॉर GRU, हमने कल ही देखा वी नीड 6 मैट्रिक्स, एंड इफ यू गो फॉर LSTM वी नीड 8 मैट्रिक्स। सो डेफिनेटली ड्यू टू दिस थिंग्स, ड्यू टू दिस 2 मैट्रिक्स, 6 मैट्रिक्स एंड 8 मैट्रिक्स, वी विल हैव मोर पैरामीटर। इफ यू हैव मोर पैरामीटर वी कैन ट्रेन मोर विदाउट गोइंग टू वैनिसिंग ग्रेडियंट। सो इफ यू सपोज आपके पास एक डेटा है एंड सपोज उस डेटा पे आपने वलीना RNN या प्लेन RNN यूज किया, सपोज आपने 10 RNN लगाए और आप मे बी आप लर्न नहीं फुली लर्न नहीं कर पाए, बिफोर गोइंग टू फुली लर्न यू मे बी यू आर गोइंग टू vanishing, your gradient is vanishing, so then you can use GRU, maybe 10 की जगह आप 20 GRU यूज करो, तो भी हो सकता है कि वो vanishing gradient ना आए, उसके थोड़ी देर बाद हो सकता है आ जाए। और फिर भी अगर आपने 100% लर्न नहीं किया, maybe आपकी loss अभी भी बहुत, आप चाह रहे हो और ट्रेन करना है, तो यू कैन यूज LSTM, LSTM में भी यू कैन गो फॉर 30-40, बट मैं ये गारंटी नहीं है कि LSTM यूज करोगे तो आप vanishing नहीं होगा, बट ये गारंटी है कि इन दोनों के बाद होगा, इससे पहले नहीं हो सकता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ LSTM एनीवे। So we can implement anyone and we can do these things. So this is the basically our LSTM, GRU and all our architecture. If you're talking about the D like bidirectional, see sometimes we go for deep and bidirectional. See what is the deep and bidirectional.
देखो डीप मीन्स सपोज यू आर गोइंग फॉर मोर देन वन लेयर फॉर न्यूरल आर एन एन, सो दिस कॉल्ड डीप आर एन एन. सपोज यू आर मे बी यू आर सपोज यू आर यू हैव एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड देन यू हैव योर न्यूरॉन हियर. सो न्यूरॉन मे बी थ्री न्यूरॉन्स हियर एंड यू आर गिविंग लाइक दिस. देन अगेन यू आर टेकिंग अनदर न्यूरॉन एंड देन यू आर टेकिंग लाइक दिस. सो इज दिस कैन यू कैन मे बी टेक अनदर वन ऑल्सो एंड maybe you are working on many to one and taking your output from maybe here, you are taking output from here. So you can see this is a deep RNN because you are using three like layer of neural network. This is called deep RNN anyway. So generally we try to use this, that's not a big deal. Even we can also implement, hum bhi implement kar dekhenge in cheezon ko. So these are not a big deal anyway. Another is called bidirectional. Bidirectional matlab dono taraf se chalega, wo bhi hum implement bhi karenge. So bidirectional means suppose you are giving a data, like suppose you are maybe this is your neurons, maybe this is four neurons and we are giving here x1 x2 x3 and x4 and this is maybe like this, this you are taking yp here, so definitely this looks like this. So this is bidirectional, we are going like this and this also. So actually when we building this, so we are building like this, ht is equal to this one, so w ht minus 1 plus u, this is direction also xt, and another ht is like this direction, so this w ht minus 1 plus u xt. So this is called bidirectional, same almost same, it's not a bahut zyada overall cheeze sabko same hai jo aapne padha wahi hai, bas thoda sa ye badal jayega, otherwise everything is like same. Okay, jo aapka spike neural network hai usme kafi use hota hai, theek hai, agar aap usme jaoge to dekhoge to ye kafi us tarah cheeze use hoti hai wahan pe, but anyway don't worry. Okay, so let's go to, let's talk about neural network, sorry this LSTM application. So देखो LSTM का application बहुत है, बहुत मतलब recording open है भाई ना, अच्छा open कर देते फिर open कर देते. So if talking about the application of LSTM, बहुत सारा application है, बहुत सारा, and समझो कि एवरीडे कुछ ना कुछ नया तरीका में अप्लाई हो रहा है. इससे पहले नॉर्मल डेटा पे लोग एलएसटीएम यूज नहीं करते, अभी नॉर्मल डेटा पे एलएसटीएम यूज हो रहा है. तो देखो चीजें बहुत मिक्स में चल रही है. अब देखो पहले जो था थंब रूल लोग मान के चलते थे कि अगर डेटा है मतलब टेक्स्ट डेटा है तो हम उसमें सीएनएन यूज नहीं करेंगे, इमेज है तो उस पर एलएसटीएम, अब तो सब जगह सब कुछ यूज हो रहा है. सो जो कि इस तरह के मॉडल्स एवरीडे नए नए तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली सब सब चीजें हैं. बट जनरल एक बात करूँ तो मैं, जैसे आपका टाइम सीरीज डेटा है, यू कैन यूज ऑन टाइम सीरीज डेटा, ठीक है, इसी का एडवांस में जाओगे तो आपका स्पाइक एआई जो आ जाएगा और न्यूरल नेटवर्क जिसको बोलते हैं. अगर आप देखो लैंग्वेज मॉडलिंग, डेफिनेटली लैंग्वेज मॉडलिंग में भी है. कैप्शन जनरेटिंग, कैप्शन जनरेटिंग जैसे इमेज को देखकर कैप्शन जनरेट करना, बट दे आर रियली रियली यू नो टाइम टेकिंग एंड लाइक थोड़ा टाइम टेकिंग है. ये सब इतना आसान नहीं है कि जस्ट हम बिल्ड कर पाए, है ना, एंड मे बी दिस इज नॉट इन दिस कोर्स. अगर टाइम मिलेगा तो आई कैन मैनेज, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि लिमिट से थोड़ा बाहर है, बहुत टाइम लगेगा इसको पढ़ाने और मॉडल को रन करके दिखाने में. दिस इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, क्योंकि फर्स्ट यू हैव टू गो विथ एलएसटीएम, देन वी गो विथ, बिकॉज इन सच टाइप ऑफ टास्क वी हैव बोथ थिंग लाइक एज वेल एज टेक्स्ट एज वेल एज इमेजेस. सो फर्स्ट यू हैव टू स्क्रैच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फीचर फ्रॉम द इमेज, देन यू हैव टू गो टू लर्न द एलएसटीएम, पास द डेटा जो स्क्रैच किया है इमेज से, उसके बाद यू हैव टू ट्रेन दैट, बट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. ओके, इट्स नॉट सो सिंपल, दैट इज डीप एक्चुअली. So definitely we'll see some examples, we'll try to go to deeper into this. Okay, so LSTM has a very very like a different different approach hai, or different different kind ke data pe aap use kar sakte hai, but anyway generally people try to use for language modeling and all. Okay, so and especially time series. So but what I'm saying ki ye na perception hai ki we are using language for LSTM means RNN, but let me show you one example. Let me show you one example, one project, and just see this. अगर आपको LSTM में कुछ भी करना है, see carefully. If you want to implement the model here in LSTM, just a minute.
यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट लाइक एनीथिंग. ओके, जैसे अभी तक आपने किया, आपने यहाँ पे आपने एक टेबुलर डेटा लिया, है ना, आपने टेबुलर डेटा लिया और ये डेटा था आपका, मे बी दिस इज़ फीचर वन, दिस इज़ फीचर टू, दिस इज़ फीचर थ्री, फीचर फोर एंड फीचर फाइव एंड दिस इज़ योर वाई. ओके, सो मे बी योर डेटा लुक्स लाइक दिस एंड यू वॉन्ट टू बिल्ड अ मॉडल फॉर दिस, मे बी यू वॉन्ट टू मेक अ मॉडल फॉर दिस, फॉर दिस डेटा, सपोज ऑन दिस डेटा. सो टिल नाउ हमने क्या किया, हमने इस फीचर्स को अलग किया और वाई को अलग किया एंड वी इम्प्लीमेंट द न्यूरल नेटवर्क मॉडल. बट इन डीप इन आरएनएन वी कांट डू लाइक दिस. देखो आपको दीपक 3D शेप में होना चाहिए. 3D शेप का मतलब ये हो, ध्यान से देखना, 3D शेप में होना चाहिए और CNN में 4D शेप में होना चाहिए. विल कमिंग टू CNN फ्रॉम टुमारो. आरएनएन मैंने बोला था ना, मैं रोकूंगा, फिर CNN कंप्लीट करूंगा, फिर आरएनएन पे आऊंगा. HTM पे विल कम अगेन, है ना, बट पहले हमें, क्योंकि एक्चुअली इसमें ना यूजेज होगा CNN का, सो पहले हम CNN पढ़ के आएंगे, देन वी गो फॉर अगेन LSTM. बट जितना CNN में LSTM गए होगा उतना मैंने पढ़ा दिया, ठीक है. सो नाउ विल गो फॉर CNN, विल कम्प्लीट द CNN, देन वी कम टू अगेन RNN, ठीक है, क्योंकि RNN में कुछ जगह पर CNN की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है. सो विल टुमारो विल स्टार्ट CNN. एनी वे सी दिस, ध्यान से देखिए. तो कल हम लोग अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज see carefully. If you see this data, if you see this data and we have one, two, three, four, five. So we have five feature, you can see five feature. Suppose data is like 100, maybe 100 row. So you can say 100 cross 5. This is a tabular data shape. कि पांच feature है और 100 shape है और column target is 100 cross 1. This is a tabular data. But in RNN data, इट डजेंट लुक लाइक दिस. पहले क्या होगा, पहले तो 100 डेटा होगा, दैट इज ओके. फाइव पीज योर टाइम स्टेप, ओके, फाइव पीज योर टाइम मतलब पांच टाइम स्टेप होंगे और हर एक टाइम का अपना फीचर होगा. लाइक सपोज सॉरी पहले टाइम स्पेस का 20 फीचर है तो दूसरे का भी 20 होगा, तीसरे का भी 20 होगा, फोर्थ का भी 20, फिफ्थ का भी 20. दैट इज अ डेटा शेप फॉर RNN. अच्छा ये अभी कोई लोग समझ में नहीं आया होगा तो पूछो, नहीं आया तो है ना. हाँ देखो फिर से बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेके. सपोज देखो, सपोज यू हैव अ डेटा सेट लाइक आई विल गो दिल्ली ऐसे करके है, आई लव माय कंट्री ऐसे करके. सपोज ऐसे 100 लाइंस है, 100 लाइंस है हमारे पास, तो कितने रोज हो गए, 100. तो डेटा कितना हो गया जी हमारे पास, डेटा हो गया हमारे पास 100, क्योंकि हमारे पास 100 रो है. अब मान लो इसमें पांच डेटा है, इसमें तीन है, इसमें आठ है, किसी में छह है, तो जो मैक्सिमम नंबर आप डेटा होगा उसको पहले पकड़ेंगे, बाकी सबको पैड कर देंगे. पैड मतलब जीरो लाकर बराबर करेंगे लेंथ को. तो मान लो ये वाला लाइन जिसमें नौ डेटा होता तो नौ टाइम स्टेप सबका बराबर कर देंगे, तो 9 हो गया, 100 × 9, ठीक है. देखो 100 टोटल डेटा हुआ 100. अब इसकी लेंथ 5 है, इसकी 3 है, नहीं इसकी 4 थी, लव माई कंट्री 4 थी, मान लो एक की लेंथ 9 थी, तो हमें सबकी लेंथ 9 को बराबर करनी होगी. अब कहो कैसे बराबर करेंगे, तो 4 है 5 जीरो लगा देंगे आगे, कहीं पे 3 हो तो 6 जीरो लगा देंगे आगे, सबको बराबर करेंगे तो 9 हो गया. अब आई है, आई का आई जो है आई, इसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो एक स्पेसिफिक नंबर देंगे. मान लो 100 डिजिट का नंबर दिया, 100 डिजिट का, तो सबको 100-100 डिजिट का देंगे. इसका मतलब हर किसी का, हर एक वर्ड का, देखो 100 टोटल रोज हो गए, इसमें 9 कॉलम हुआ, मतलब 9 कॉलम, 100 पहला रो में 9, दूसरे में भी रो, 100 में भी रो, हर में रो 9. अब एक का कितने फीचर है, 100 है, आई के 100 फीचर, विल के 100 फीचर, गो के 100 फीचर, तो ये हो गया 100 × 9 × 100. ये बात समझ में आई कि वापस समझाऊं, देख लीजिए फिर से पूछिए अगर समझाना है तो वापस. देखिए अगर किसी को समझ में ना आ रहा तो पूछिए. ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को.
अब किसी को नहीं समझ, पूछो ना, नहीं समझ में आया तो। आ गया सभी को? जय समझ, जय आया समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब तभी तो ये कहते हैं कि हम टाइम सीरीज डेटा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हुआ कितने डेटा हैं, तो 1000, 50,000, 100, 200, इसके बाद टाइम स्टेप्स कितना है और स्टेप्स के बाद हर स्टेप का फीचर कितना है। चलो अभी और क्लियरिटी मिलेगी जैसे जैसे हम डेटा पे ट्रेनिंग करेंगे, अभी नहीं सीएनएन के बात करेंगे। एक्चुअली इमेज में क्या होगा ना, देखो एक इमेज को तुमने रीड किया तो इमेज मान लो ये हो गया 300x300x3 का, तो यहाँ पे 3 से पे ही हो गया। और मान लो 1000 इमेज होता तो हो जाएगा 1000 इमेज मल्टीप्लाई इमेज का शेप, तो इसीलिए 4D हो गया ना, ये तो 3D ही हो गया, 3 के RGB के लिए और लेंथ और विड्थ, तो ये तो हो गया इमेजेस और ये हो गया तुम्हारा डेटा, तो इसलिए 4D हो गया। बात समझ में आ गया सीएनएन में। एनीवे नेक्स्ट क्लास में हम इमेज की बात करेंगे, रीड करना पहले देखेंगे इमेज को रीड कैसे करते हैं, ठीक है, सिंपल लाइब्रेरी से सारा करके फिर सीएनएन यूज करेंगे, शुरू करेंगे। कई लोगों को तो इमेज रीड ही करने में दिक्कत होने लगती है, सो टुमारो वील स्टार्ट दोज थिंग्स। एनीवे सो लेट्स इम्प्लीमेंट अ सिंपल LSTM मॉडल, बहुत ही सिंपल, पहले एक बार स्टार्ट करते हैं, करके देखते हैं, देन टुमारो ऑनवर्ड्स वील गो फॉर अ बिगर वन, बट लेट्स सी दिस, नॉट अ बिगर वन, टुमारो वील स्टार्ट टुमारो LSTM, आफ्टर द LSTM वील अगेन कम टू द RNN पार्ट एंड वील सी दैट हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। ओके, टुमारो ऑनवर्ड्स वील स्टार्ट द CNN। See guys, so we have x dot shape and y dot shape. So this is the data. See carefully. Only one data here. अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास एक data है and in that data we have 25 step and in every step we have 100 feature. So here we are giving the output according with the features. देखो ध्यान से. Here we are giving the output according to the feature. इसको चाहो तो transpose कर देख सकते हो कि this is basically. चलो मैं दिखाता हूँ. ऐसे सोचो. अगर इसको वापस करो तो 100 डेटा, हर डेटा का 25 स्टेप्स और एक स्टेप में केवल एक ही फीचर, रेडी माई पॉइंट। सो 100x1 ऐसे देख सकते हो, ऐसे देखो एक, ठीक है, दोनों तरीके देख सकते हो एंड वी कैन बिल्ड विथ बोथ। सो जस्ट लेट्स बिल्ड विथ हियर ओनली, जैसे 25 और 100 का। सी हियर आई एम यूजिंग दिस LSTM क्रैश डॉट लेयर इम्पोर्ट LSTM एंड डेंस लेयर। डेंस मैंने आपको बताया ऑलरेडी, हमें पता है डेंस क्या होता है, करेक्ट है, ठीक। सो राइट नाउ यू हैव 100 आउटपुट, so I'm the final layer, I'm giving 100, activation is softmax, 2 से अधिक है तो I'm giving categorical cross-entropy, Adam, इस दोनों लाइन में तो किसी को दिक्कत ही नहीं हो रही होगी, इस दोनों लाइन में, ऊपर लाइन छोड़ दो, इस दोनों में। अरे वी ऑलरेडी डिड ना, वी ऑलरेडी डिड न्यूरल नेटवर्क, हमने काफी सारे इस तरह की चीजें कर ली। यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पर सिग्मॉइड लिखते हैं या बैंड रिकर्स एंट्रोपी लिखते हैं, 2 से अधिक है तो सॉफ्ट मैक्स लिखा है और लॉस में कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लिखा है, काम खत्म है कि नहीं, और बस ये है। अब देखो LSTM क्या लिया है, 25 LSTM का लिया है, यू हैव टू गिव द इनपुट शेप, इनपुट शेप में व्हाट यू हैव टू गिव द टाइम स्टेप एंड हाउ मेनी फीचर फॉर एवरी स्टेप, सो यू हैव 100 फीचर फॉर एवरी स्टेप, सो यू हैव टू गिव द इन 3D डायरेक्शन लाइक दूसरा और तीसरा, देर इज डोंट नीड फॉर नंबर ऑफ डेटा, एनी टाइम यू डोंट नीड द नंबर ऑफ डेटा, सो यू आर नॉट गिविंग दिस, जस्ट गिविंग द नंबर ऑफ टाइम स्टेट एंड इन ईच स्टेट वी हैव 100 फीचर, सो लेट्स रन इट, राइट। So this is the model, the series, LSTM and dense layer. This is the thing, these are the parameters. Let's see the model. So I'm not taking any like those, वो भी कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, बस simple fit कर रहा हूँ, see carefully because the simple data and see this what happen. Within 10 epochs, in 10 emacs, you are getting almost accuracy 1. Just see, accuracy is almost 1. Because simple, don't worry, we are not talking about accuracy, maybe this is overfit, underfit, we don't know. क्योंकि हमने वेरी लेट नहीं किया है, I'm just trying to implement this model कि आपको एक दिखे कि how we are starting, ठीक है। So because we are just going to do this, अब CNN पढ़ के आएंगे तो वी, अब देखो different different architecture में sometimes we are going to use CNN LSTM both एक बार में कर सकते हैं, so that depends कि मैं कितना आप लोग करा पाऊंगा, otherwise LSTM के लिए हमारे पास standard LSTM से ये standard vanilla RNM, we can go, स्टैक्ड LSTM लाइक LSTM ऑन डिफरेंट लेयर, CNN LSTM दोनों को मर्ज करके इनकोडर डिकोडर बाई डायरेक्शनल LSTM, सो दैट डिपेंड्स कि हम कितना कर पाएंगे, ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन टाइम एंड माई मोटिवेशन लेवल, तो दैट डिपेंड्स। एक्चुअली अगर स्टूडेंट बहुत अच्छा होता तो मैं बहुत दूर तक जा सकता हूँ, बट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइज, ओके। बट आज के आप लोगों का आंसर से तो लगता है कि नहीं जा पाएंगे, ठीक है।
सो ठीक है, टुमारो विल स्टार्ट सीएनएन, ठीक है, एंड विल कंप्लीट सीएनएन, देन विल कम टू हियर अगेन. डोंट फॉरगेट दिस ना, मैं बार बार सीएनएन में यूज करूंगा. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस मैथमेटिक्स एंड ऑल फॉर आरएनएन. सो यू हैव टू थिंक कि कैसे हो रही है, बिकॉज इन सीएनएन समटाइम्स यू यूज दिस एंड देन विल कम टू आरएनएन एंड देन वी गो इन डिटेल इन एलएसटीएम. थोड़ा और एलएसटीएम, एक्चुअली एलएसटीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर वर्किंग ऑन अ टाइम सीरीज डेटा, यू नो लॉट्स ऑफ जॉब्स ऑन टाइम सीरीज डेटा ओनली. If you see the stock price and all this, all time series data. So lots of jobs available on time series data. Okay. So, bahut sari.